फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बुर्ज खलीफा पे। ये आप चेक करें पीछे, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, इतनी ऊंची बिल्डिंग है। मैंने अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ तो खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से लग शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है मेरे व्यूवर्स, देखने वाले ये भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुबई में, अल जद्दाफ में। तो मैं आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और मैं इस वक्त अल जद्दाफ में मौजूद हूँ। तो मैं जा रहा हूँ इस वक्त इंटरटेनमेंट के लिए बुर्ज खलीफा। तो दुनिया का सबसे बड़ा टावर है जिसको दुनिया देखने के लिए पागल हो रही है। हर बंदे का यही शौक है दुबई में, जब भी कोई आता है वो यही देखता है कि मैंने यार बुर्ज खलीफा देखना है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इसके अलावा आज की वीडियो में जो दुनिया का बिगेस्ट शॉपिंग मॉल है दुबई मॉल, जहाँ से बड़े बड़े एक्टर सिंगर शॉपिंग करते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि दुबई मॉल में लोग किस तरह शॉपिंग करते हैं, और किस तरह का शॉपिंग मॉल है, और किस तरह का बुर्ज खलीफा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे साथ साथ रहना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाकी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ बुर्ज खलीफा पे। ये आप चेक करें पीछे, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, इतनी ऊंची बिल्डिंग है। मैंने कहा देखकर दिल खुश हो गया, ये देखे नज़ारा पीछे दुबई का। इस वक्त थोड़ी गर्मी है, लेकिन मुझे मैंने इसको देखा, मेरी सारी गर्मी दूर हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई इसको देखकर, ये बिल्डिंगें देखकर। ये चेक करें आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है इधर। ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो बुर्ज खलीफा को देखने के लिए दुबई आते हैं, एज ए विजिटर। हर लिहाज से जो भी आता है वो बुर्ज खलीफा को देखने के लिए इधर आता है। तो मैं इधर इस वक्त इसके पास ही मौजूद हूँ, तो मैं आपको पास इसके लेकर जाता हूँ, दिखाता हूँ ये पास से किस तरह का दिखता है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, आपको भी उम्मीद है मज़ा आ रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है, चेक करो मुझे गोरियाँ मेमा भी आ रही हैं। चट दे टिब्बियां दे विच डेरे, नहीं फिरदा मौत ना फेरे। हूँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है, चेक करो पीछे पानी शानी चेक करो। अच्छा कोई परवाह नहीं है, जितना मर्जी गलबात करो, चाहे वो लेडीज है जो भी है। बैठो पीछे, आप देखें कैसे पानी की आबशारें चल रही हैं। व्यू चेक करें, कितना प्यारा व्यू पीछे से आ रहा है। ज़्यादातर लोग आते हैं इसको देखने के लिए, बुर्ज खलीफा को देखने के लिए। अब इसके पास चलते हैं। ठीक है ठीक है, तो रुक जाते। अंदर चेक करें पीछे का, गर्मी भी है दुबई में, ये गर्मी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बंदा खुश हो जाता है बिल्डिंगें देखकर, गोरी में देखकर। बिल्डिंगें तो इतनी ऊंची हैं कि बंदा गर्दन को ऐसे करके देखे फिर जाकर नज़र आती है बिल्डिंग, वैसे नज़र ही नहीं आती है। ये व्यू चेक करें, ये दुनिया की लार्जेस्ट बिल्डिंग है, टॉवर है। आज मैं आपको बुर्ज खलीफा के अंदर भी दिखाऊंगा, के अंदर लोगों ने बाहर से देखा है बस इसको, ये लार्जेस्ट बिल्डिंग को, लेकिन मैं आपको इसके अंदर भी लेके जाऊंगा, उम्मीद है। इधर वीडियो भी अलाउ नहीं है, बनाने देते नहीं है, बस दुबई मॉल बुर्ज खलीफा के मैं अंदर से होकर बाहर आ चुका हूँ।
बड़ा मजा आया। ऐसे अंदर किसी को जाने देते नहीं है, अंदर किसी को जाने देते नहीं है। मैं अंदर से पूछ के अभी बाहर आया हूँ, अभी बता रहा हूँ तो भाई माहौल आपको उधर के माहौल दिखाता हूँ कैसा माहौल है। तो भाई गर्मी लग रही है लेकिन जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ मैंने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं है। बड़ा मज़ा आ रहा है, इन्जॉयमेंट कर रहा हूँ। बंदा दुबई आए और कुछ देखे या ना देखे, बंदा इधर बोल चुकी थी बात दुबई माहौल तो चीज़ें देखने वाली है। बंदा वो देखे बंदे के पैसे पूरे हो जाते हैं। गोरी मैम भी वीडियो बना रही है यूट्यूब की, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। स्लो चल ये है दुबई मॉल, द लार्जेस्ट मॉल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉल जिसमें भी सिंगर फिल्म एक्टर वगैरह इंग्लिश सज्जाद जानी भी ऐसे थे। सज्जाद जानी पाकिस्तानी ऑफिशियल वो भी इधर आया हुआ दुबई मॉल से उसने शॉपिंग वगैरह की। ये आम बंदा इस इधर से शॉपिंग नहीं करता। आ रहे हैं आपको दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं आज तक गाड़ी क्या करें। इधर जो माली है वो रेंज ओवर लेके फिर बड़ा मजा आ रहा है। आ रहे हैं अंदर से दिखाते हैं आपको, अंदर से दिखाते हैं। आपने मेरा कभी नहीं देखा होगा जो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ तक जाने के लिए बंदे को ना रिस्क लेना पड़ता है, इधर अलाउ नहीं है। मूवी वगैरह बनाना हम इधर बैठ गए सामने। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दुबई मॉल में, ये नज़ारा आप चेक कर सकते हैं। फुल एसी मॉल है, व्यू चेक करें, व्यू चेक करवाएँ। इतना अलाउ नहीं है किसी की वीडियो बनाना। दुबई में सबसे मेन चीज़ यही है कि हम किसी की वीडियो नहीं बना सकते, किसका कोई ना कोई मतलब अलग बन जाता है। एक चीज़ें चेक करें आप, इंशाल्लाह मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, इन्जॉयमेंट कर रहा हूँ आज। ये लार्जेस्ट मॉल है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉल है दुबई में। जितने भी अमीर तरीन शख्सियत हैं वो ये और अभी मैं इसके अंदर मौजूद हूँ दुबई मॉल के। जो चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं दिल खुश हो गया है। आप ये व्यू चेक करें, कसम से मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। इन्जॉयमेंट सही मज़ा तो है ना दुबई आने का। अगर आपने मज़ा लेना है तो आप दुबई माल ज़रूर आएँ कि आप इधर व्यू चेक करें, इतना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है आपको। इधर कोई भी हमें रोक नहीं सकता वीडियो बनाने में, जैसे मर्जी हम वीडियो बनाएं, जिसकी मर्जी वीडियो बनाएं, कोई इश्यू नहीं है। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और जितने भी मशहूर टिकटॉकर हैं वो दुबई मॉल आकर इस जगह पर लाजमी वीडियो बनाते हैं, जो कि मर्जी हो जाए विदर जरूर वीडियो बनाते हैं। बहुत कमाल की जगह है, मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आप चेक करें मेरे बैग में गोरे वगैरह सारे अपने। ये आप पीछे वाले मेरी साइड चेक करें, टिकट वगैरह बना हुआ है, मर्ज वगैरह बना हुआ है। इधर ये दूसरी साइड है, इधर भी लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, सारे रुपये वगैरह बना रहे हैं। चेक करें आप, छोटी बच्ची अपनी पिक्चर बना रही है। इधर कोई लोग जैसे मर्जी वीडियो वगैरह बना, हर बंदा इधर स्टेप बाई स्टेप वेट करके वीडियो वगैरह बना रहा है, पिक्चर वगैरह बना रहा है। बड़ी इन्जॉयमेंट है, आप लाजमी इधर जाते हैं, लाजमी इधर स्पेंड करता हूँ। आप दुबई मॉल आएँ और इधर का जो माहौल है, इधर बंदे को इतनी जगह है, इधर इतनी दुकानें वगैरह हैं, इतनी शॉप वगैरह हैं, तो बंदे को पता नहीं चलता कि जाना किधर है। इधर मैंने काफ़ी इन्जॉय किया और आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप इन्जॉय कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, मैं याद करें।